सभी को जय हिंद। मैं जिवेश कुमार स्वागत करता हूं आपका डिफेंस अड्डा 24/7 पर। तो सभी का वेलकम है। ओके, तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। और सभी की एफकेट की प्रिपरेशन अब हो चुकी होगी, तो सभी लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का है और अपना एकदम मस्त रहना है और कल अच्छे से एग्जामिनेशन दे के आना है। ओके, अभिन चतुर्वेदी फ्रॉम अलीगढ़, हाउ आर यू माय डियर। और ध्यान रखिएगा, जिनका एग्ज़ाम 29th और 30th को है, उनके लिए एक प्लस पॉइंट ये है कि उन्हें कल के एग्जामिनेशन से एक आइडिया लग जाएगा कि आपका जो एग्ज़ाम पेपर है वो किस तरीके का आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। और सभी लोगों का वेलकम है आपके अपने डिफेंस अड्डा 24/7 पर। सो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, न्यू गवर्नर ऑफ गोवा। तो गोवा के न्यू गवर्नर कौन बने, जल्दी से बताइएगा। हाँ, टेंशन हो रही है, जल्दी से बताइएगा। न्यू गवर्नर ऑफ गोवा, जल्दी से बताओ। गोवा जो है इंडिया का सबसे छोटा स्टेट है। ओके, न्यू गवर्नर ऑफ गोवा, गोवा के नए गवर्नर कौन बने हैं 2021 में, जल्दी से बताइएगा। ओके, व्हाट विल बी द आंसर। तो ध्यान रखिएगा, न्यू गवर्नर ऑफ गोवा आपके PS श्रीधरन पिल्लई। गोवा इंडिया का 25th स्टेट है, ठीक है, और इंडिया का सबसे छोटा स्टेट भी है। ध्यान रखिएगा, गोवा का कोई हाई कोर्ट नहीं है, बॉम्बे हाई कोर्ट के अंडर आता है। आपका 56th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1987 के अंडर गोवा को एस्टेब्लिश किया गया था 30th मई को, ठीक है, किस दिन, 30th मई को। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्टर न्यू गवर्नर ऑफ कर्नाटका। तो जल्दी से बताइएगा, न्यू गवर्नर ऑफ कर्नाटका। हाँ बिल्कुल, बहुत सही, न्यू गवर्नर ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका, क्योंकि अभी आपको पता है कि बहुत सारे गवर्नर बदले गए हैं। तो जल्दी से बताइएगा, न्यू गवर्नर ऑफ कर्नाटका। तो गवर्नर जो बने हैं वो आपके कौन बने हैं, थवरचंद गहलोत, ठीक है, कौन बने हैं, थवरचंद गहलोत। ओके, CEO ऑफ अमेजोन, अमेजोन के नए CEO कौन बने हैं, तो एंडी जेसी। अमेजोन के क्या बने हैं, नए CEO। मैं बहुत तेजी तेजी के साथ आपको क्वेश्चन कराऊंगा, आप करते हुए चलिएगा, ठीक है। ओके, बिल्कुल, विच स्टेट गवर्नमेंट डिसाइडेड टू कॉरिडोर कनेक्टिंग 3 टाइगर रिजर्व। अगर आपको पता हो, कल मैंने आपको बताया था कि रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व कहाँ पे बना है, तो ये आपका बना है राजस्थान में। और राजस्थान में जो 3 टाइगर रिजर्व है उनको बीच में, ताकि टाइगर्स एक रिजर्व से दूसरे रिजर्व में जा सके, उसकी शुरुआत करी है राजस्थान से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग लेबोरेटरीज प्रोड्यूस टेस्ट बैच ऑफ स्पुतनिक 5 इन इंडिया, कौन सी लेबोरेटरी को मिला है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपकी मोरपेन लेबोरेटरीज को मिला, किसको मिला, मोरपेन। अब बस ये दिमाग में ध्यान रखिएगा, एग्जामिनेशन में आपको ये बस याद आना चाहिए। अगला क्वेश्चन, विंबलडन मेन्स टाइटल किसने जीता है। राफेल नडाल ने तो विंबलडन में भाग ही नहीं लिया। ओके, रॉजर फेडरर ने आपका फ्रेंच ओपन में से अपना नाम वापस ले लिया था ड्यू टू हेल्थ, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, नोवाक दोजोविक। कल मैंने आपको बताया था, नोवाक दोजोविक पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने चारों ग्रैंड स्लैम को 2 बार जीता है। नोवाक दोजोविक कहाँ के हैं, आपके सर्बिया के हैं। सर्बिया की कैपिटल क्या है, बेलग्रेड। रोजर फेडरर, कल मैं गलती से स्वीडन बोल गया था, स्विट्जरलैंड के प्लेयर हैं, ठीक है। राफेल नडाल इटली के हैं, ठीक है, आगे इटली के नहीं है राफेल नडाल, शायद स्पेन। ओके, विच नेशन यूरो कप जीता है फॉर द फर्स्ट टाइम। देखो, सबसे पहले यूरो कप आपका 1968 में हुआ था, मैंने आपको बताया था, और इटली, ओके, इटली ये जीता है। ध्यान रखिएगा, ये कहाँ पे हुआ था, ये वेम्बली स्टेडियम में हुआ था, जो आपका किस में पड़ता है, लंदन में पड़ता, और इन्होंने लंदन, इंग्लैंड को ही इन्होंने हराया है। ध्यान रखिएगा, इटली की कैपिटल क्या है, रोम, जिसे एटर्नल सिटी हम कहते हैं, क्या बोलते हैं, एटर्नल सिटी हम इसे बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, हु बिकेम द ओल्डेस्ट गोल स्कोरर।
तो ओल्डेस्ट गोल स्कोरर इन यूरो कप फाइनल ये कौन से बने? लियार्डो बोंसी, डी बेराडी, क्रिस्टियन जॉर्जियो चेलेनी। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, और सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, शेयर ना करो ना करो, ओके, इस क्वेश्चन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर आपका लियार्डो बोंसी है, ठीक है, और ये ओल्डेस्ट गो, ये आपके ये भी इटली के हैं, ठीक है, और ध्यान रखिएगा ये किसके हैं आपके, इटली के हैं, ओके, और ध्यान रखिएगा क्रिस्टीन एरिक्सन ये आपके डेनमार्क के हैं, और ध्यान रखिएगा इनको हार्ट अटैक आ गया था खेलते हुए, ओके, फुटबॉल खेलते हुए ना हार्ट अटैक आ गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गोल्डन बूट किसे मिला है? तो गोल्डन बूट आपका क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मिला, किसको मिला है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो को गोल्डन बूट अवार्ड दिया गया है, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन, विच एरोस्पेस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरर रिसेंटली प्रोवाइडेड इंडियन नेवी विद 10th PI एयरक्राफ्ट। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ओके, और जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, और सेशन को शेयर और लाइक जरूर करेगा, जल्दी से बताएगा व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके, जल्दी से बताओ व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, और जल्दी से बताओ, ओके, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, और अभी हाल ही में ओके इसका जो वो है क्या कहते हैं, ओके, अब ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर आपका बोइंग है, लॉकहीड मार्टिन से हमने क्या लिया है, MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर, ठीक है, ये सबमरीन हंटर हेलीकॉप्टर है, PI-18 भी आपका सबमरीन हंटर है, लेकिन ये एरोप्लेन है, और ये क्या है आपका हेलीकॉप्टर है, ध्यान रखिएगा इंडियन नेवी के लिए। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल डी ऑप्शन सही है, और आपका कौन सी SCO फोरन सबमिट हुई थी, SCO यानी शांघाई कॉपरेशन, तो ये आपकी कहाँ पर हुई थी, दुशुम्बे, दुशुम्बे किसकी कैपिटल है, दुशुम्बे आपकी तजाकिस्तान की कैपिटल आपकी दुशुम्बे पड़ती है, बिश्केक किर्गिस्तान की पड़ती है, ताशकंद उज्बेकिस्तान की पड़ती है, बिश्केक किर्गिस्तान की पड़ती है, ताशकंद उज्बेकिस्तान की पड़ती है। कितने ओलंपिक में जो आपका 22 जुलाई से शुरू हुआ था हमारा ओलंपिक्स, वो आपका टोक्यो में, उसमें कितने ओथ टेक करते हैं, हर एक मतलब कोच और खिलाड़ियों का एक होता है, उसमें वो ओथ लेते हैं सबकी तरफ से, तो ध्यान रखिएगा 6 लोगों ने ओथ ली थी टोक्यो ओलंपिक्स में, ओके, क्वेश्चन नंबर 12 का भी ए होगा। विच यूनियन टेरिटरी 100% वैक्सीन डोज, तो कौन सी यूनियन टेरिटरी ने 100% वैक्सीन डोज ली है, जल्दी से बताइएगा व्हाट विल बी द आंसर, ओके, बिल्कुल बिल्कुल नेवी ने लिया है, जल्दी से बताइएगा, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर और आपका चंडीगढ़, 100% वैक्सीन, ठीक है, 100% वैक्सीन जो है, ओके, वैक्सीनेटेड सिटी इन इंडिया वो कौन सी है, जल्दी से बताइएगा, ओके, यूनियन टेरिटरी कौन सी है, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर, तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर है आपका लद्दाख, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या है, लद्दाख इस क्वेश्चन का आंसर है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। एशिया का पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च ओके सेंटर कहाँ पे ओपन किया गया है, तो ये आपका पटना में ओपन किया गया, ठीक है, क्योंकि गंगा की जो डॉल्फिन है वो हमारा नेशनल वाटर एनिमल माना जाता है, क्या माना जाता है, नेशनल वाटर एनिमल माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इंडियाज लार्जेस्ट सोलर पार्क आपका कहाँ पे बनाया जाएगा, तो इंडिया का लार्जेस्ट सोलर पार्क आपका कहाँ पे बनाया जाएगा, गुजरात में, फ्लोटिंग सोलर पार्क आपका तेलंगाना में है, ठीक है, फ्लोटिंग सोलर पार्क आपका किस में है, तेलंगाना में है, ओके। इंडिया का फर्स्ट ग्रेन ATM ओके, ये बताओ ये कौन सी सिटी में इसको इस्टेब्लिश किया गया, इंडिया फर्स्ट ग्रेन ATM ठीक है, ये आपका कहाँ पर ओपन किया गया है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं अन्नापूर्ति, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने इसे शुरू करा है,
और कौन से स्टेट में? अन्नापूर्ति। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका हरियाणा में एक जगह पड़ती है, गुरुग्राम। गुरुग्राम में फारुख नगर में इसको शुरू किया गया है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, विच हाई कोर्ट बिकम द फर्स्ट इंडिया टू अलाउ पब्लिक व्यूइंग फॉर प्रोसीडिंग्स, यानी लोगों की लोग इसकी प्रोसीडिंग्स को देख सकते हैं। तो ये आपका कौन सा है? आपका गुजरात हाई कोर्ट, ठीक है, गुजरात हाई कोर्ट ने इसको शुरू करा है। ओके ओके, बिल्कुल बिल्कुल। अब ये बताइएगा विच स्पोर्ट विल बी मेकिंग, कौन सा स्पोर्ट आपका डेब्यू कर रहा है, डेब्यू यानी पहली बार उसको इंक्लूड किया गया है टोक्यो ओलंपिक्स में। सर्फिंग, गोल्फ, इक्विस्टेरियन या फेंसिंग? जल्दी से बताइएगा, टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में कौन सा स्पोर्ट्स आपका क्या कर रहा है? ओके 18 का ए, सर्फिंग। ओके जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखो इस क्वेश्चन का आंसर, सर्फिंग इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। सर्फिंग के अलावा ध्यान रखिएगा, ये आपका सर्फिंग जो है डेब्यू कर रहा है टोक्यो ओलंपिक्स में, अलोंग विद थ्री अदर स्पोर्ट। और कौन कौन से तीन अदर स्पोर्ट्स है? कराटे, स्केटबोर्डिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग। ओके और स्पोर्ट क्लाइंबिंग और दो स्पोर्ट्स आपके वापस आ रहे हैं, जो पहले नहीं थे। एक तो है बेसबॉल और एक होता है सॉफ्ट बॉल। बेसबॉल में आपके अगर देखा जाए तो 9 प्लेयर होते हैं, सॉफ्ट बॉल में आपके 2 प्लेयर एक तरफ होते हैं, 2 प्लेयर एक तरफ होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग नेशन एग्रीड टू एस्टेब्लिश न्यू क्वाड ग्रुप विद अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान? तो एक नया क्वाड ग्रुप बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये तो गई भैंस पानी में, क्योंकि अफगानिस्तान की ऐसी स्थिति हो गई है बहुत ही। यूएस, तो यूएसए बना रहा था पाकिस्तान के साथ मिलकर और उज्बेकिस्तान के साथ मिलकर। अमेजोन के जेफ बेजोस ने एक ट्रिप करी है आपकी स्पेस में, तो कितने मिनट की रही थी वो? 11 मिनट की रही थी। कितने मिनट की? 11 मिनट की। देखो ब्लू ओरिजन ये फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है, न्यू शेपर्ड। न्यू शेपर्ड ब्लू ओरिजन की जो स्पेस क्राफ्ट का नाम था वो था न्यू शेपर्ड, रिटर्न वन बैक टू अर्थ आफ्टर 11 मिनट्स ऑफ फ्लाइट। और ये आपका 20 जुलाई, जेफ बेजोस और थ्री अदर क्यू जिसमें उसके ब्रदर मार्क बेजोस थे, 18 ईयर ओल्ड ओलिवर डेडमन थे, वैली फंक थी। ओल्डेस्ट वूमेन, ध्यान रखेगा यहाँ पे वैली फंक, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए ओल्डेस्ट वूमेन जो स्पेस में गई है तो वो आपकी कौन सी बन जाएगी? वैली फंक। अगला क्वेश्चन, न्यू यूथ पॉलिसी किसने करी है? तो भाई ये आपका मेघालय ने करी है, न्यू यूथ पॉलिसी किसने शुरू करी है? मेघालय ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच नेशन इज ऑलवेज फर्स्ट इन द परेड ऑफ ओलंपिक्स? तो ध्यान रखिएगा वो ग्रीस है, क्योंकि ग्रीस में सबसे पहले ओलंपिक्स हुए थे, ग्रीस में जो ओलंपिक्स हुए थे 1896 में सबसे पहले हुए थे, और फिर 2004 में हुआ था। 2004 में राज्यवर्धन राठौर ने इसमें आपका सिल्वर मेडल जीता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मैं देखो टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, एक घंटे में मेरे को क्वेश्चंस कराने हैं, इसलिए मैं ज़्यादा ज़्यादा तेज़ी के साथ एकदम करा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे ना तो सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है, और बाकी अपना चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। Which India was at which number in the parade of Tokyo Olympics opening ceremony? जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। होस्ट नेशन लास्ट में आता है। 23, 12। और बताओ, ईरान के बाद इंडिया पड़ता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आते हैं फिर उसके बाद, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। तो इंडियन कंटिजेंट केम आउट 25th पोजीशन, ठीक है, इन टोक्यो ओलंपिक्स, और बिहाइंड ईरान, ईरान के पीछे रहते हैं, और लेजेंडरी बॉक्सर मैरी कॉम जी और फील्ड हॉकी मनप्रीत सिंह जो इंडियन हॉकी टीम के कप्तान थे, फ्लैग बियरर थे। क्लोजिंग सेरेमनी में बजरंग पूनिया थे, ध्यान रखेगा क्लोजिंग सेरेमनी में
सेरेमोनी में आपके कौन थे? बजरंग पूनिया थे। हाँ ओके, क्लोजिंग सेरेमनी में बजरंग पूनिया थे। चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑटोमोबाइल कंपनी जिन्होंने ओलंपिक में से अपने कमर्शियल को वापस ले लिया, तो वो टोयोटा। ओके टोयोटा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, रमप्पा टेम्पल। ओके रमप्पा टेम्पल जो 39th साइट बनी है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में, आपका कहाँ पे है? तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला। जल्दी से बताइएगा रमप्पा टेम्पल, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लगता है ये मेरे को रमप्पा टेम्पल, तो ज़रा बताओ इसका इसका क्वेश्चन क्या है। ठीक है, ये आपका जो रमप्पा टेम्पल है इसे रुद्रेश्वरा भी बोलते हैं और ये तेलंगाना में पड़ता है। ठीक है, तेलंगाना में मुलुगु जगह पर, मुलुगु तेलंगाना में पड़ता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। ओके 13th यूनेस्को साइट। तो कार्तिकेय रुद्रेश्वर टेम्पल पॉपुलरली नोन एज रामप्पा टेम्पल एट पालापेट वारंगल। ओके तेलंगाना वॉज इंस्क्राइब्ड इन द यूनेस्को लिस्ट। ओके 44th सेशन हुआ था ये फुंजाओ चाइना में। ओके और इससे ये 39th प्रेस्टिजियस साइट हो जाएगी। मीराबाई चानू ने जो सिल्वर मेडल जीता है ओलंपिक्स में, तो उन्होंने कौन सी वेट कैटेगरी में जीता है? ओके मीराबाई चानू ने अभी जो सिल्वर मेडल जीता है तो कौन सी वेट कैटेगरी में जीता है, बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? ओके व्हाट विल बी द आंसर? बिल्कुल 49 किलोग्राम कैटेगरी में। ठीक है 49 किलोग्राम। वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग, वर्ल्ड लार्जेस्ट, इंडिया का नहीं पूछा, वर्ल्ड लार्जेस्ट, ये कहाँ पे बनाया जाएगा? मलेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया। ओके तो सोलर पार्क वहाँ बनना चाहिए जहाँ पे सनलाइट बहुत ज़्यादा आती हो। सनलाइट कहाँ पे आएगी? इक्वेटर वाले देशों में आएगी। इक्वेटर में से कौन सा पड़ेगा? इंडोनेशिया। ठीक है इक्वेटर में कौन सा पड़ेगा? इंडोनेशिया। ठीक है तो सिंगापुर की सनस्केप ग्रुप ने अनाउंस किया है वो $2 बिलियन स्पेंड करेंगे वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फार्म एनर्जी स्टोरेज सिस्टम इन बार्टन आइलैंड। ठीक है आपसे पूछा जा सकता है बार्टन आइलैंड कहाँ है, तो वो इंडोनेशिया में। द फ्लोटिंग सिस्टम इज एक्सपेक्टेड कैपेसिटी ऑफ 2.2 गीगावाट, वो बहुत बड़ा। विच कंट्री बिल्ड फर्स्ट सोलर क्लीन कमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर, तो वो चाइना बना रही है। ठीक है इसमें ना जो न्यूक्लियर फ्यूल होगा वो लिक्विड यूज किया जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल। विच नेशन इज कम्पीटिंग इन द टोक्यो ओलंपिक्स अंडर ROC? ओके ROC के अंदर कौन सा आपका ओलंपिक में पार्टिसिपेट करा था? दरअसल एक वाडा है, ठीक है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इसने 2019 पे रशिया पे बैन लगा दिया था। ठीक है तो रशिया के जो प्लेयर थे वो रशियन ओलंपिक कमेटी के अंडर इन्होंने पार्टिसिपेट करा था, यानी इस टोक्यो ओलंपिक में आपका रशिया का फ्लैग नहीं था, ना ही रशिया का नेशनल एंथम था, तो उन्होंने जो रिप्रेजेंट करा था अपने देश को वो अंडर द बैनर ऑफ रशियन ओलंपिक कमेटी। ठीक है वाडा का हेडक्वार्टर आपको मैंने कल ही बताया था मॉन्ट्रियल में पड़ता, किस में पड़ता? मॉन्ट्रियल में वाडा का हेडक्वार्टर पड़ता है। ठीक है आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी बिकम 40th साइट, तो 40th साइट कौन सी बनी है आपकी? धोलावीरा, ये आपका गुजरात में पड़ती है, ये आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन की है, और ध्यान रखिएगा यहाँ पर यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के एविडेंसेस मिले हैं और एक स्टेडियम का भी आपको यहाँ से एविडेंसेस मिले हैं। ठीक है आगे बढ़ते हैं, SCO डिफेंस मिनिस्टर की जो मीट थी तो ये भी आपकी कहाँ पे हुई है? तजाकिस्तान में ही हुई है। ठीक है ये भी आपकी कहाँ पे हुई है? तजाकिस्तान में ही ये मीटिंग हुई है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्टर वेश नेशन प्राइम मिनिस्टर सैक्ड प्राइम मिनिस्टर हिचे मैचेची को सैक कर दिया गया है और ये आपके क्या है? ट्यूनिशिया जो है इसकी कैपिटल है ट्यूनिस, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट, अगर इस तरीके से अगर आप देखो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट कंट्री पड़ती है ट्यूनिशिया। ओके
इंडिया विल टेक पार्ट 12th एडिशन इन द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, तो वो रशिया के साथ करेगा। रशिया के साथ हमारी जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है उसका नाम है इंदिरा, ठीक है, इंदिरा वोल्वोग्राद। जापान के साथ धर्मागार्जियन ट्राइगर ट्रायम्फ युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार आपका किसके साथ होता है, यूएसए के साथ। और ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारी नेवल एक्सरसाइज होती है ऑसी इंडेक्स, और पिछले साल जिस उन्होंने मालाबार एक्सरसाइज में भी पार्टिसिपेट करा था। ओके, हाँ बिल्कुल अड्डापेक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल तरुण रेड्डी उस पर करो, वो जो अड्डा ऐप पे आपको वो सक्सेस गाइड है डेफिनेटली। नजीब मैं कहती ये किसके प्राइम मिनिस्टर बने हैं, लेबनान, पिछले साल 7 अगस्त को यहाँ पे एक एक्सप्लोजन हुआ था, ठीक है, बेरूत, ठीक है, कैपिटल है, क्या है, बेरूत कैपिटल है। अगला क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन बॉक्सर टू विन, तो ये आपके कौन है, विजेंदर सिंह, जो 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स हुआ था उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अगला क्वेश्चन, व्हेन इंटरनेशनल टाइगर डे, तो इंटरनेशनल टाइगर डे आपका बनाया जाता है 29 जुलाई को। प्रोजेक्ट टाइगर हमने शुरू करा था 1973 में, ध्यान रखिएगा 12 अगस्त को एलिफेंट डे मनाया जाता है, प्रोजेक्ट एलिफेंट हमने शुरू करा था 1987 में। 22 सितंबर को राइनो डे मनाया जाता है, ठीक है, 22 सितंबर को राइनो डे, प्रोजेक्ट राइनो हमने शुरू करा था 2005 में। ओके, इस साल की थीम देख लीजिएगा, इस साल की थीम पूछी जा सकती है, देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड, इसको इस साल की जो थीम है वो क्या है, देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड। ओके, हु अश्योर द फर्स्ट असामी वूमेन टू इंडियन ओलंपिक्स, तो कौन है, ओके, फर्स्ट असम टू अश्योर इंडियन ओलंपिक मेडल, तो वो लोविना बोग्रैम है, ठीक है, क्या है, लोविना बोग्रैम, ओके, लोविना बोग्रैम। और सेशन को शेयर और लाइक जरूर करेगा, लोविना बोग्रैम ये इंडियन बॉक्सर हैं, और इनका जो संबंध है आपका, ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन्होंने, क्या जीता है, ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है, और ध्यान रखिएगा इनका संबंध जो है आपका किससे है, असम से है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 का सी, हिमा दास राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ये ध्यानचंद के नाम पे रखा गया है। इससे पहले एक चीज ध्यान रखिएगा, पहले इसमें 7 लाख रुपए मिलते थे, अब इसकी धनराशि भी बढ़ा के 25 लाख कर दी गई है, ठीक है, कितनी कर दी गई है, 25 लाख। अभी ये किनको मिलेगा, ये आपको 29 अगस्त को मिलेगा। इंडियन हॉकी ने लास्ट टाइम ओलंपिक में गोल्ड मेडल कब जीता था, क्योंकि इस बार हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, तो 1980 में हमने गोल्ड मेडल जीता था, यानी हम गोल्ड मेडल कितनी बार जीत चुके हैं ओलंपिक में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और इंक्लूडिंग टोक्यो ओलंपिक्स 9। अब यहाँ पर एक चीज़ इस पर ध्यान दो, ठीक है, ठीक है, कि भाई हम 1928, 1932, 1936 वो तो वर्ल्ड वॉर की वजह से नहीं हुआ, 1948, 1952, 1956 यानी जितने 1928 से 56 तक ऑलमोस्ट 28 ईयर्स ओलंपिक गोल्ड हम ही जीते हैं, फिर 64 में और देन 1980 में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने सबसे हाईएस्ट रोड बनाई है 18,000 फीट की ऊंचाई पे, उमलिंग ला पास में, कहाँ पे बनाई है, उमलिंग ला पास पे बनाई है। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट रीनेम्ड काकोरी कॉन्स्पिरेसी एज काकोरी ट्रेन एक्शन या काकोरी एक्शन डे, तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, नाम बदलने की इनको बहुत है, काम तो करते नहीं है, ठीक है, 9 अगस्त 1925 को ये आपका काकोरी हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अब इसमें तो खैर मैंने आंसर ही जोड़ दिया कि हम क्रिकेट को कब उसमें लिया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा 2000, क्योंकि 2024 में तो आपका
पेरिस में होगा ओलंपिक्स, इसमें ब्रेक डांस को लिया जाएगा, इसमें किसको लिया जाएगा, लिया गया है ब्रेक डांस को। अब आईसीसी क्या कह रही है कि आईसीसी कह रही है कि भाई क्रिकेट को भी लेंगे। वैसे ध्यान रखिएगा क्रिकेट ऑलरेडी ऐड हो चुका है, 1900 में ओलंपिक्स में क्रिकेट ऐड हुआ था जब ये पेरिस में होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि 2024 में ओलंपिक्स हो रहे हैं पेरिस में और 1900 में भी होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ओके, तो वही सारी चीज़ है। अगला, वर्ल्ड लायन डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड लायन डे आपका 10 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। वर्ल्ड लायन डे आपका कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, बहुत स्पीड से करा रहा हूँ मैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ ओलंपिक? तो इनका नाम है आपका पियरे डी कोबर्टिन। ध्यान रखिएगा 1896 में ये इंडियन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के हेड बने थे। और एक और चीज़ ध्यान रखिएगा इनके बारे में, वो ये है कि पियरे डी कोबर्टिन आपके 1896 में हेड तो बने ही थे, ये जो ओलंपिक का सिंबल है ना, ये भी इन्होंने ही बनाया था। IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर लुसाने में ही पड़ता, किस में पड़ता, लुसाने में ही पड़ता, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल यूथ डे? तो इंटरनेशनल यूथ डे की क्या थीम थी? यूथ फॉर ओशियन हेल्थ सिस्टम, यूथ इनोवेट, यूथ फॉर क्लाइमेट एक्शन, ओके। तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन, इस यूथ डे की थीम 12 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है, जल्दी से बताओ, ओके। इंटरनेशनल यूथ डे थीम, जल्दी से बताओ, इंटरनेशनल, ओके, यूथ डे थीम क्या थी? और सेशन को शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस बार जो इंटरनेशनल डे की यूथ की थीम थी वो है ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम, यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लेनेटरी हेल्थ, ओके, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट डिसाइडेड टू 1% रिजर्वेशन? तो सबसे ज़्यादा वर्स्ट इफेक्ट, जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है हमारा कोविड में, वो महाराष्ट्र हुआ है। महाराष्ट्र ने 1% रिजर्वेशन दिया है उन ऑर्फन चिल्ड्रन को जो कोविड-19 से जो इफेक्ट हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, इंडिपेंडेंस डे, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, कितनी बढ़िया थीम है, ठीक है, इस बार की इंडिपेंडेंस डे की थीम थी नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, ओके। नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को। नीरज चोपड़ा की करंट रैंक क्या है ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, यानी ओलंपिक जीतने के बाद नीरज चोपड़ा की रैंक क्या है जैवलिन थ्रो में? 89.6 मीटर इन्होंने फेंका था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इनकी सेकंड रैंक है, कितनी है इनकी सेकंड रैंक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, कोमलिका बारी बिकेम दी यंगेस्ट, ओके, आपका वर्ल्ड चैंपियन बनी है, यूथ वर्ल्ड कप हो रहा था, अब ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? तो आर्चरी से है और ये आपका पोलैंड में हो रहा था। पोलैंड की कैपिटल क्या है आपकी? वर्सोव, ओके, पोलैंड की कैपिटल आपकी क्या पड़ती है? वर्सोव। अगला क्वेश्चन, ICC मैन 2020 ये आपका UAE और ओमान में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, वैसे तो UAE में ऑर्गेनाइज, इंडिया में होना था, ओके, लेकिन ड्यू टू कोविड-19 इफेक्ट इंडिया में इसे ऑर्गेनाइज नहीं किया जाएगा, तो ये 17 अक्टूबर को शुरू होगा। हु इज सेट टू बिकम इंडियाज बॉर्न फ्लाई इनटू स्पेस आफ्टर कल्पना चावला? तो ये तो कल वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया, सिरिसा बंडाला, ओके। 51, फर्स्ट वुमेन जस्टिस, जो अगले 6 सालों में क्या बन जाएंगी भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश? तो उनका नाम है जस्टिस BV नागरत्ना। वैसे भी ध्यान रखिएगा मद्रास हाई कोर्ट में सबसे ज़्यादा वुमेन जजेस हैं, जितनी इनके नंबर है 4, ओके। US कांग्रेस कांग्रेसियल गोल्ड मेडल देगा भारत के किस फ्रीडम फाइटर को? तो हमारे फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी को, हमारे फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी को। भाई तेजी तेजी के साथ सॉल्व करते चलिएगा आप इस सेशन को, ठीक है। लेकिन यार लाइक वाइक कर दो, मतलब इतना भी बेकार वो अलग बात है, तो थोड़ा लाइक बटन ज़रूर दबा दो जितने स्टूडेंट देख रहे हैं। इस्माइल साबरी याकूब ये कौन से देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ध्यान रखिएगा मलेशिया के बने हैं। किसके? मलेशिया, मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर, ओके।
अगला क्वेश्चन, भारत का पहला स्मोक टावर अरविंद केजरीवाल ने इसको इस्टेब्लिश करा, क्योंकि अभी जैसे सर्दी आ रही है ना, तो इन दिल्ली में बहुत पोल्यूशन बढ़ जाता है ड्यू टू ट्रैफिक, फैक्ट्रीज। इंडिया का लार्जेस्ट, ओ वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड टॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन सेंटर, वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड टॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन सेंटर आपका कहाँ पर इसको इस्टेब्लिश किया गया है? तो ये आपका दुबई, बहुत बड़ा व्हील्स है, अभी हाल ही में है आपका ये, आज कल तक का आपका करंट अफेयर पूरा हो जाएगा। ओके, व्हाट नेम हैज़ गिवन इंडिया? ओके, इंडिया ने अपने जो अफगानिस्तान से इवैक्यूएट कर रहे हैं हम अपने इंडियन सिटीजन को, उस ऑपरेशन का नाम क्या दिया है? ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन देवी शक्ति। ओके चलिए, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, फ्लैग बियरर, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ओके, हु वॉज द इंडियाज फ्लैग बियरर? देखो सबसे पहले आपके पैरालंपिक्स 1960 में हुए थे स्पेन में, ठीक है, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ओके, टेक चंद, मरियप्पन थंगावेलु, प्राची यादव, देवेंद्र झाझरिया। टेक चंद, और ध्यान रखेगा टेक चंद कौन से स्पोर्ट्स है, ये भी मेरे ख्याल से जेवलियन थ्रो से ही है ये भी संबंधित इनका, ठीक है। टेक चंद किससे है? पहले थंगावेलु से था, लेकिन थंगावेलु जो हाई जंपर हैं उनका वो हो गया है, वो किसी COVID-19 के कांटेक्ट में आए थे, इस वजह से उनको हटा दिया गया, पहले इन्हें करने थे। पिछले साल इनको खेल रत्न, जिसे अब ध्यानचंद खेल रत्न कहा जाएगा। हु विल बी दी फर्स्ट पावर लिफ्टर, फीमेल पावर लिफ्टर इन दी पैरा ओलंपिक्स? तो पैरा ओलंपिक्स में सकीना खातून, ठीक है, सकीना खातून भारत की पहली फीमेल पावर लिफ्टर होंगी पैरा ओलंपिक्स में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हु विल बी दी फर्स्ट पैरा कनोई? कनोई होती है वो जो बोट में ऐसे बैठ के ऐसे यूं चप्पू चलाते हैं ना, कनोई से बोलते हैं। तो भारत की पहली पैरा कनोई एथलीट कौन है? तो इनका नाम है प्राची यादव, तो इनका नाम क्या है? प्राची यादव। ओके, हाँ शॉर्टपुट होगा, मेरे को, मैंने कंफ्यूज हो रहा था, मैंने कहा फेंकने का तो मैं जेवलियन बोले शायद बोला था मैंने। ओके, अनुराग ठाकुर, अरे ये तो हो गया, अब छोड़ो। मैस्कॉट क्या है पैरा ओलंपिक 2020 का? तो सोमेटी, ठीक है। ओके, सोमेटी। पैरा ओलंपिक्स में कितने गेम खेले जाएंगे? ध्यान रखिएगा टोटल जो पैरा ओलंपिक्स में गेम है वो है 28, लेकिन समर वाले हैं यानी समर ओलंपिक्स में 22 हैं, और विंटर ओलंपिक्स में, ठीक है, विंटर ओलंपिक्स में 6 हैं, लेकिन ये कौन से हो रहे हैं? ये आपके समर ओलंपिक्स हो रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी एथलीट, इंडिया की तरफ से कितने एथलीट ने पार्टिसिपेट करा है पैरा ओलंपिक्स में, स्पेशली पैरा ओलंपिक्स पे है? तो ध्यान रखिएगा 54% एथलीट ने पार्टिसिपेट करा, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट करा? 54। ओके, अगला क्वेश्चन, साहिल तिवारी कहाँ हो, आ जाओ घर जल्दी से। ओके, पहुँच गए, कहाँ पे पहुँचे जरा मैसेज करके बता दो, मैं इसी वजह से जल्दी ख़त्म कर रहा हूँ सेशन अभी। आज साहिल तिवारी सर हमारे मेहमान हैं, मैं सोच रहा था वो पहले आ जाते तो आपको यहीं पे मिलवा देता उनसे। ओके, चलो, हाउ मैनी इंडियन एथलीट आर गोइंग टू पार्टिसिपेट? तो जो 54 एथलीट गए हैं वो कितने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेंगे? तो 54 को 9 से डिवाइड कर दो, ठीक है, या 9 6 54, नाइन नाइन स्पोर्टिंग इवेंट में होगा। ओके, अगला क्वेश्चन, ये कौन सा ओलंपिक होगा, समर पैरा ओलंपिक कौन सा होगा? 16th होगा, ठीक है, कौन सा होगा? 16th। तो ये थे आज के आपके धड़ाधड़, और सभी को ऑल द बेस्ट, कल ज़रूर जुड़िएगा एफ कैट के लाइव सटीक एनालिसिस में, डायरेक्ट सेंटर से हम आपको क्वेश्चन पहुँचाएंगे। बाकी टेरिटोरियल आर्मी का अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो ये बैच ज्वाइन करें जल्दी से, और इसी तरीके से शौर्य CDS OTA का, ये भी ऑलरेडी बैचेस हमारे अलाइन है, इसको भी ज्वाइन करें। SSB का ये सबसे अभी हिट चल रहा है, तो जो बच्चा SSB के बैच को तो ज़रूर फिलअप करें और इसकी प्रिपरेशन करें।
और ध्यान रखिएगा 77% ऑफ चल रहा है अड्डा 24/7 पर। आप हमारे महापैक्स को भी ले सकते हैं, महापैक को लेके आपको क्या होगा, एक साल तक हमारे आप सभी टेस्ट सीरीज, लाइव क्लासेस, वीडियो कोर्सेज और ई बुक्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय और ऑल द बेस्ट सभी को। ओके, ऑल द बेस्ट जिनका कल एग्ज़ाम है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। और अपने पे बिलीव रखिएगा और टाइम से सेंटर पे पहुंच जाइएगा, सबसे इम्पोर्टेंट होता है टाइम पे पहुंचना, ठीक है, थैंक यू।